अस्सलामुअलैकुम। हम लोग हज़ारों रुपए के ब्रूडा खरीदते हैं जिसमें हम 200, 300, 400 चूज़े रख सकते हैं, 500, 1000 चूज़े रख सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको बिल्कुल इजी सिंपल तरीके का ब्रूडा बनाने सिखाऊंगा। ओके, तो शुरू करते हैं। तो ब्रूडा बनाने के लिए हमें इन इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको चाहिए एक प्लग, वायर, एक रेगुलेटर जो किसी भी दुकान से मिल सकता है, और 100 वोल्ट का बल्ब और होल्डर उसके साथ। अब इन सबको ना आप एक साथ अलाइन कर लें, एक ही लाइन में लगा दें। सही है, रेगुलेटर लाजमी लगाएं और ताकि उससे हम हीट कम ज़्यादा कर सकें, और फिर आप बल्ब भी लगा लें होल्डर के साथ। और वो आप, मैंने तो ऐसा लगाया है, आप कहीं भी लटका सकते हैं, कैसे भी लगा सकते हैं आप। सही है ना, ये लगाया है मीटर रेगुलेटर, इसके बारे में बात करते हैं। अब देखें इसकी हीट हो रही है अभी नॉर्मल है, सही है ना। अगर हमें ज़्यादा सर्दी हो रही है तो हम ना इसकी हीट को तेज़ कर देंगे, ठीक है, और चेक करते रहेंगे। मैं कहूँगा कि फुल पे ना रखें, उससे क्या होता है कि बल्ब जल जाता है, ठीक है। नॉर्मल पे रखें, इससे हम कम भी कर सकते हैं, बिल्कुल कम हो जाएगी। जब गर्मियों का मौसम हो तो बिल्कुल कम कर दें, जब ज़्यादा सर्दी हो या आपके रूम में ज़्यादा सर्दी आपको खुद महसूस हो रही हो, अपने हाथ से चेक करें, ठीक है ना। उसके बाद नॉर्मल टेम्परेचर रख के ना छोड़ दें। यहाँ पे पानी और दाना रख दें, लकड़ी का बुरादा मैंने नहीं डाला है, आपको वो डालना है, ठीक है। अब ये देखें इससे हीट हो रही है और ये आराम से बैठे हुए, एक जगह जमा नहीं हो रहा है, इनको नॉर्मल टेम्परेचर मिल रहा है। इसे ये आराम से चिल करेंगे, इनकी सेहत भी अच्छी होगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी सफाई करनी है आपको अच्छी खासी, और ये लाजमी आपको ना दो तीन जगह ना खुली छोड़नी है जिससे ना एयर पास होती रहे, घुटन ना हो उसमें, जरासीम पैदा ना हो, ठीक है। ये देखिए रेगुलेटर का इतना मज़ेदार काम है, आपको कंट्रोलर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे इंक्यूबेटर में कंट्रोलर होता है, टेम्परेचर बढ़ता है बंद हो जाता है, इसमें टेम्परेचर बढ़ने की ज़्यादा तुक नहीं है ना, इसमें बस आपको ना नॉर्मल टेम्परेचर रखना है, ठीक है, जिससे चूज़ों को गर्मी में मिले बस। अब ये देखें लगा हुआ है आराम से रेगुलेटर, सब टेस्ट करें, हल्की करें, और ये रहा आपके चिक्स मौजूद खुश खुश। ओके, ये मैंने लिया है एक केज, सही, उसमें साइडों पे मैंने गत्ते लगा दिए ताकि जो है जो गर्माइश होगी ना वो अंदर ही रहे, ठीक है। थोड़ी सी हवा के लिए जाली छोड़ दी है ताकि इससे बदबू जो है, स्मेल जो होगी ना वो अंदर बसे नहीं। और नीचे जो है आपको इधर लकड़ी का बुरादा डालना है, जो लकड़ी का वेस्टेज होता है, जो बची हुई जो कारपेंटर की दुकान पे जो चूरा होता है ना लकड़ी का, वो डाल सकते हैं। उसके अलावा आप घास डाल सकते हैं, उसके अलावा आप चावल का छिलका डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ना बेडिंग के लिए करनी है कि ना यहाँ पे कि उसमें ना मिक्स होता रहे, सारा गंदगी जो होगी ना उस लकड़ी के बुरादे में मिक्स हो जाएगी, उसमें जरासीम पैदा नहीं हो, ठीक है। अगर आपके पास केज नहीं है ब्रूडर के लिए तो आप गत्ते का डब्बा ले सकते हैं उस, और या कोई गोल ड्रम ले सकते हैं, या कोई बाल्टी ले सकते हैं, या कोई भी चीज़ ले सकते हैं जो चारों तरफ से कवर हो, और ऊपर से बस जो है ना हीट के लिए आपको एक बल्ब लगाना है, और वहाँ पे बस आपको इतनी जगह छोड़नी है कि एयर सर्कुलेशन हो, एयर जो है आती रहे, साफ़ हवा आती रहे और गंदी हवा जाती रहे, ताकि इससे जलासीम पैदा नहीं हो सके, ठीक है। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब।